हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि बहुत ही बड़ी है, बहुत ही हाई बजट है, बहुत ही मेगा बजट है। एक ऐसी पैन इंडिया फिल्म जो कि पता नहीं कितने बार शेल्फ होने के कगार पर चली गई, लेकिन जब जब इसके बारे में कुछ भी बात निकल के आता है, जब जब कोई भी कास्टिंग या कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ अब ये फिल्म जो है वो फ्लोर्स पे जा सकती है, तब तब अंदर से जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट राकेश ओम प्रकाश महाराज कर्ण। कर्ण की जो मूवी है ये, देखो महाभारत में बहुत सारे सेलिब्रेटेड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कर्ण एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही अंडरडॉग टाइप का है, अंडररेटेड टाइप का है, लेकिन हर किसी के मन में इस जो कैरेक्टर है इसके लिए सिंपथी है, एम्पैथी है, एप्रिसिएशन है, और बहुत सारा मतलब लगाव और जुड़ाव बहुत लोग महसूस करते हैं। अगर किसी से भी पूछोगे कि पूरे महाभारत में सबसे फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग जो हाई परसेंटेज ऑफ पीपल विल से कि कर्ण जो है वो हमारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, सूर्यपुत्र कर्ण। तो ये इस पे मूवी जो बनना है अपने आप में बहुत बड़ा टास्क भी है और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट भी है। अब ये प्रोजेक्ट बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत सालों से सुनने में आ रहा है इसके बारे में, लेकिन अभी जो है बहुत ही एक्साइटिंग चीजें निकल के आ रही हैं कि इसमें हम लोगों को सूर्य देखने को मिल सकते हैं एंड द टॉक्स आर इन एडवांस स्टेज, यानी कि जो प्राइमरी स्टेज है उससे थोड़ा बात आगे हो चुकी है। एंड सूर्य इज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एंड प्लेइंग दिस कैरेक्टर, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का कैरेक्टर है एंड बहुत ही लार्ज स्केल पे माउंट होने वाला है ये फिल्म। प्री प्रोडक्शन जो है वो, जो पूरा माउंटिंग है वो सारा कुछ डिसाइडेड है। पहले चिया विक्रम का भी नाम आ रहा था, शाहिद कपूर का नाम आ रहा था, बहुत सारे नाम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं, लेकिन अब लग रहा है कि जो नाम है फाइनलाइज होने वाला है एंड दैट विल बी सूर्या। अब सूर्या का ये पैन इंडिया डेब्यू तो नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी कंगुआ जो है वो उनकी पैन इंडिया डेब्यू होने वाली है, अगले साल समर पे वो फिल्म निकलने वाली है। उसके बाद एक और फिल्म होगी जो कि सुधा कोंगारा के साथ फिर से वो रीयूनाइट कर रहे हैं आफ्टर द ह्यूमंगस सक्सेस ऑफ सूर्य पोट्रू। वो जब फिल्म हो जाएगी उसके बाद जाके ये फिल्म 2024 में शुरू होगी। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा फिल्म है तो उसको बनने में भी समय लगेगा, रिलीज होने में अच्छा खासा समय लगेगा। 25 भी मत मानो कि 25 में भी ये फिल्म रिलीज हो सकती है, 26 में होगी। और ये फिल्म जो है वो हम लोग को दो पार्ट में देखने को मिली हुई, तो काफी एक्साइटिंग है, टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, लेकिन ये प्रोजेक्ट का मटेरियलाइज होना ही, ऑन द फ्लोर जाना ही बहुत बड़ी बात होगी। तो जिस दिन ये ऑन द फ्लोर जाएगी उस दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही गुड न्यूज होगा हम लोग के लिए, हमको लगता है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर कोई फिल्म देखना चाहता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में हर कोई और ज्यादा जानना चाहता है और उस पे हमको बड़े पर्दे पे देखना चाहता है। अब जाहिर सी बात है कि कर्ण पे स्टोरी होगी तो महाभारत के अराउंड ही होगी, और महाभारत के अराउंड होगी तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जो हैं थ्रू आउट द अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उन सबसे हम लोग को बहुत सारे एक्टर्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं किस तरह का टोटल कास्टिंग होता है, लेकिन सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो कर्ण पे ही रहेगा, जो कि सूर्या इसका जो लीड रोल है वो प्ले करने वाले हैं। बाकी देखते हैं ये कब साइन होता है और उसके बाद कब कन्फर्म्ड होता है, कब इसका अनाउंसमेंट होता है, बहुत जल्दी हो जाएगा सब कुछ। एंड होप सो कि इस बार ये फिल्म जो है वो डब्बे में ना जाए बल्कि इस बार सीधे फ्लोर्स पे जाए। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए एंड इसमें सूर्या की कास्टिंग के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्या राय है, क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल के दबा देना ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक होगा चैनल पे, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।